करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जात के सिलपर पड़त निशान। आई थिंक सीबीटी एग्जाम हुआ उसे बहुत से कैंडिडेट फेल हुए, तो इससे आगे फेल ना हो उसके लिए एक प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज है जो बचा सकता है, जिसके लिए हम एक वेबसाइट प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें एमसीक्यू आप टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री है एक महीने के लिए। एक महीने तक आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होंगे, आप इस पे मॉक टेस्ट दे पाएंगे अपने सब्जेक्ट के अनुसार। थ्योरी के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के दे सकते हैं, और इसमें एमसीक्यू वही रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो पूछे जा चुके हैं वही है इसमें। जो अभी अप्रैल में एग्जाम हुआ था सीबीटी एग्जाम, उससे जो जो प्रश्न आए थे सभी इसमें फिट किए गए हैं, और साथ ही जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें इंटर किए गए हैं। तो आप इस पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और बहुत ही बेनिफिट क्या है इसमें, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस मिल जाएगा आपको। इसमें आपको इंग्लिश मिलेगा और हिंदी लैंग्वेजेस भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो आप इसको टेस्ट दे सकते हैं, लॉग इन करके रजिस्टर करके एग्जाम दीजिए। और इसमें बहुत इसमें साथ ही आपको आईटीआई एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम के भी पेपर इसमें मिल जाएंगे। जीके जीएस रीजनिंग का अगर आप तैयारी करेंगे तो कर रहे होंगे तो इसमें उसका भी एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएगा। उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा आपका, जैसे आईटी का लेंगे उसी तरह ये भी हो जाएगा। तो और यहाँ पे आप ये भी देख पाएंगे कि आपका स्कोर क्या है, तो यहाँ पे फाइनल सबमिट करके आप स्कोर देख सकेंगे। ओके पे क्लिक करें, यहाँ पे स्कोर देख पाएंगे कि जीरो स्कोर हुआ है। मैंने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जिस वजह से 0 स्कोर आया, 1 भी नंबर नहीं आया है। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम देकर देख लीजिए कि आपका कितने क्या स्कोर आ सकता है एग्जाम में। तो आप इस तरह से एग्जाम दे सकते हैं, एमसीक्यू टेस्ट दीजिए और आपका स्कोर यहाँ से पता चल जाएगा। और यहाँ से देखिए, तैयारी कीजिए। अब कम नंबर आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी बहुत बिल्कुल नहीं है, और अच्छा नंबर आता है तो आपको पता चल जाएगा कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप करिए, चलिए हम शुरू करते हैं। आपको बताते हैं रजिस्टर कैसे करें और किस तरह से इसमें एग्जाम टेस्ट देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गो टू होम करें। इस ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रजिस्टर करने के पहले सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पे 3 लाइन है यहाँ पे, और नीचे जाएंगे तो साइनअप का ऑप्शन है, साइनअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले नाम फिल करें, जो भी चीज़ें इस पर इंटर करें वो सही होना चाहिए। एडमिट कार्ड से देख लीजिएगा रोल नंबर, यहाँ पे सेशन चूज कर लीजिएगा 17, 18, 16, 19, 18, 20 या 19, 21, 20, 22 यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। और यहाँ एड्रेस चूज कर लीजिए, एड्रेस लिख दीजिएगा, और स्टेट यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे पिन कोड इंटर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर कर दिए, ईमेल आईडी, यहाँ पे आईटी का ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर चूज कर सकते हैं। अगर आप अनदर ट्रेड के हैं, इलेक्ट्रॉनिक वायरमैन बिल्डर, तो आप अभी अपकमिंग सुन है और आप चाहते हैं आपको भी मिले, तो उसके लिए हम अलग से लास्ट बता देंगे क्या करना होगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिशियन फिटर एक्टिव है, बाकी एक्टिव नहीं है, उसके बारे में हम अंत बता देंगे। देखिए आपको प्रॉफिट क्या है कि देखिए आईटीआई के साथ साथ आप कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए जैसे डीएफसीसीएल का एग्जाम होने वाला है रेलवे का, तो उसमें किस तरह प्रश्न आए वहाँ पे इसमें डाले गए हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल आप हो जाए इलेक्ट्रिशियन के लिए, और फीटर रहेंगे तो फीटर आपका मैकेनिकल रहे, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, तो फीटर वाले इसको चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले इलेक्ट्रिकल को। और यहाँ पे ऑप्शन सब्जेक्ट मैथ भी मिल जाए आपको, रीजनिंग और जीके, ये आपके कॉम्पिटेटिव में जो पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन इससे रहेंगे, और आप आई टी के साथ साथ इसका भी बेनिफिट उठा पाएंगे। और सिक्योरिटी क्वेश्चन जो मान लीजिए कुछ भी रख लिख लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसका आंसर यहाँ पे लिख दीजिएगा। और पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, और यहाँ पे फोटो चूज कर लीजिएगा, और यहाँ पे रेफरल कोड यूज करना है तो हम ले लेंगे ANI, ये लिख दीजिएगा, @2020 ये लिख दीजिएगा अपने में रेफरल कोड में, और यहाँ से लेके क्रिएट प्रोफाइल करेंगे। यहाँ पे हो गया थैंक्स फॉर साइनिंग अप, वी जस्ट सेंट यू एन ईमेल विथ योर लॉगिन डिटेल। लॉगिन के लिए ये डिटेल आप चला गया है, आपके ईमेल आईडी पर आईडी और पासवर्ड चला जाएगा, ईमेल चेक कर लीजिए। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, लॉगिन कर सकते हैं स्टूडेंट लॉगिन, और यहाँ से करेंगे। तो चलिए ईमेल आईडी चेक कर लेते हैं। अब आपका ईमेल आईडी पर आ जाएगा आईडी और पासवर्ड, वहाँ से ईमेल आईडी और पासवर्ड क्लिक करके सबमिट कीजिएगा। इस तरह से आपका वेलकम स्क्रीन दिखाई देगा, इस पर आपका सारा डिटेल्स रहेगा, नाम रहेगा, रोल नंबर, और जो जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए रहेंगे वो दिखाई देगा। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल मॉक टेस्ट दिखाई देगा कि कौन कौन सा मॉक टेस्ट इनेबल है,
और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिशियन का भी है, तो इलेक्ट्रिशियन का एग्जाम दे सकते हैं। फिर यहाँ पे जीके का है, सभी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको यहाँ दिखाई देने लगेंगे जीके मैथ जो जो आएगा रहेगा यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पे ओके करेंगे और स्टार्ट एग्जाम करेंगे। तो यहाँ पे टोटल एग्जाम रहेगा, देखिए आपको टोटल 45 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका डिटेल्स दिखाई देगा, फोटो वोटो सारा रहेगा। यहाँ पे आईटी जहाँ एग्जाम सेंटर रहेगा उसका दिखाई देगा। और यहाँ पे देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिडेंस इन ओपन सर्किट, यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज मिलेगा, आपके लिए बहुत ही कम्फर्टेबल रहेगा। तो जो भी आंसर है उसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट, तो आपका आगे बढ़ेगा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह से आप एग्जाम दीजिए और यहाँ देखिए टोटल क्वेश्चन ग्रीन होते जाएगा, इसमें टोटल 45 क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्लैग भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन फ्लैग करके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, 1 महीने का के लिए फ्री है, 1 महीने तक प्रैक्टिस करिए। अगर अच्छा लगेगा और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें फाइनल सबमिट हम कर देते हैं, फाइनल सबमिट करके आर यू वांट टू श्योर करेगा तो ओके करके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्कोर भी देख सकते हैं। तो 0 स्कोर आया है, 45 है। और यहाँ पे कितना अटेम्प्ट किया गया है, एक मॉक टेस्ट आंसर दिया गया है, एक फ्लैग, एक टोटल नॉट क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन नॉट आंसर मॉक टेस्ट, और एक फ्लैग क्वेश्चन किया गया, देखिए फ्लैग क्वेश्चन एक किया गया है। तो इतना 45 टोटल क्वेश्चन था। इस तरह से आपका यह स्कोर कोड भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका कितना मार्क्स आया हुआ है। इस तरह से आप एग्जाम का आंसर देख के अपना खुद का स्कोर देख सकते हैं और एग्जाम का तैयारी कर पाएंगे। तो जल्दी से आगे रजिस्टर करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, रजिस्टर करके आप जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए। जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट में आपको बताएंगे कि जो जिस ट्रेड इलेक्ट्रिशियन और फिटर के अलावा जो भी ट्रेड है उनके लिए क्या करना है, तो यस सबसे नीचे आना है, होम पेज है, होम पेज के जब नीचे है एकदम नीचे तो क्वेरीज फॉरम है, इस फॉरम को अप्लाई कर दीजिए, नेम लिख दीजिए और यहाँ पे ईमेल आईडी अपना लिख दीजिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, तो लिख दीजिएगा अपग्रेड जो भी ट्रेड है उस ट्रेड को, या ऐड कर देंगे, ऐड जो भी है वायरमैन ट्रेड। फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करके और यहाँ पे मैसेज लिख दिया है, सर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ऐड वायरमैन ट्रेड, जो भी ट्रेड या जो भी ऐड करना है, जो भी क्वेरीज है यहाँ पे सेंड कर दीजिए। कुछ ही देर में आपको मोबाइल के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू आपको मैसेज करके बता दिया जाएगा, या आप कॉल करके खुद पता कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं दोनों नंबर पर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा, आप जरूर रजिस्टर करके आप तैयारी करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तो अनिल साइट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, इस लेटेस्ट अपडेट कर लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।